8 लाख गाड़ियों की अनमेट डिमांड है, मतलब डिमांड बराबर है, जहां सप्लाई इश्यूज थोड़ा ठीक होते गए तो शायद वॉल्यूम टेक ऑफ कर जाएंगे। बट चार्ट्स पे क्या ये सारी चीजें प्राइसिंग हो रही है, अगर किसी को बेट लेना हो इस अंडरओन एरिया में तो कौन से स्टॉक्स आपके हिसाब से ज्यादा बेहतर है? देखिए, ऑटो भी एक अपने आप में बड़ा ही फैला हुआ सेक्टर है। जैसे भारत में बहुत सारे स्टेट्स और प्रांत हैं, तो ऑटोस में आपके जो ये टू व्हीलर्स हैं, अब इनमें एक देर से एक डीले के साथ नई जान आई है, नए प्राण आए। बजाज ऑटो बिल्कुल ऊपर फट गया, और हीरो मोटोकॉर्प की अगर आप ये चार्ट देख पा रहे हैं तो यहाँ से अच्छा रिवर्सल बना है। अब ऊपर अगर 2597 समझ लीजिए, 2600 का जो रेजिस्टेंस लाइन है ये लाल रेखा, ये जब क्रॉस हो जाए तो उसके बाद हम इसको 3200 तक के लिए एक बार पकड़ेंगे, फिर आगे देखेंगे 3200 पे क्या होता है। बजाज ऑटो ऑलरेडी फट चुका है, थोड़ी सी देर हो गई है, या मोमेंटम को जो पकड़ना जानते हैं बहुत टाइट स्टॉप लॉस के साथ वो कर सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो आपसे हमने 2 सप्ताह पहले खरीदारी करवाई थी वो बिल्कुल भाग चुका है, पर वहीं आपके टाटा मोटर्स और मारुति थोड़े से संकोच सकुचाए हुए से हैं, अनिश्चित हैं। और टायर के स्टॉक्स जिन पर काफी समय से बुलिश हैं वो अब ऊपर का मोमेंटम पकड़ चुके हैं। अब एस्कॉर्ट्स और अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स भी, एस्कॉर्ट्स अब पलटने की तैयारी में लग रहा है, और अशोक लेलैंड चार्ट्स के अनुसार चलता चला गया, जहां के अभी तक फंडामेंटल्स की स्टोरीज पर कैचअप नहीं हुई है। तो मिक्स्ड है ये सेक्टर, और हीरो मोटोकॉर्प में अभी फिलहाल लैगार्ड में आज यहाँ बाइंग का मोमेंटम बन रहा है, तो इस मोमेंटम के साथ ही रहना चाहिए, यहाँ बेचने का मतलब नहीं है। सुशील, ऐसे में अगर एक व्यू आपसे आपका व्यू आईटी पर लेना हो कि अब क्या लगता है आपको कि आईटी में अच्छी खासी सेलिंग आ चुकी है या अभी और कमजोरी दिखती है आपको, आपको लगता है कि यहाँ ये बाय ये डिप्स जो है ये बॉट होने चाहिए या अभी और रुके इंतजार करें? देखिए, आईटी के मेजर स्टॉक्स को जिस तरह से लाके एक नीचे के लो पे आज यहाँ खड़ा है मार्केट, मुझे लग रहा है बस वो नैस्डेक के कुछ रिजल्ट्स के इंतजार में यहाँ किसी टाइम जब पलटवार अगर आया तो जितना बड़ा कंसेंसस बन गया है सभी विद्वानों के बीच, और उस वजह से रिटेल भी उसी सेंटिमेंट को मिमिक करने लगता है, बहुत डीप कंसेंसस हो गया कि आईटी में परफॉर्मेंस नहीं आएगा। वो नॉन परफॉर्मेंस आईटी का ऑलरेडी हो चुका है यहाँ से, तो एक रिवर्सल यहाँ से किसी भी समय बने, 1-2 दिन और मुझे लगता है समय है, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि इंफोसिस नए हाई पे चला जाए और विप्रो नए हाई पे भी चला जाए, और HCL टेक है या टेक महिंद्रा है, तो हम शुरू में लार्जेस्ट कैप मार्केट लीडरशिप आईटी स्टॉक्स पे ही बेट करेंगे जैसे रिवर्सल आता है, और उसके बाद बाकी के छोटे शेयर्स में भी जाएंगे। पर मुझे यहाँ आप इस सवाल को अगर मैं हम परखने के लिए बात को पलटे कि क्या आईटी शेयर्स में यहाँ पे किसी भी प्रकार का टेक्निकली कोई सेल सिग्नल सपोर्ट हो सकता है, यहाँ से बेच के या शॉर्ट करके पैसा बन जाए, मुझे बिल्कुल संभावना नहीं दिखती है। तो जैसे ये पलटेंगे हम इन पे चढ़ेंगे। आईटी स्पेस पर तो यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है, आ जाए आई शुड से।